मैं अरशद जमाल, यूट्यूब चैनल आपकी बात से। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है और उस गाइडलाइन के अनुसार हफ्ते में दो दिन पूरे तरीके से प्रदेश भर में लॉकडाउन रहेगा, शनिचर और इतवार को। बाकी पाँच दिन प्रदेश के सभी हिस्से खुलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर आप अपने ज़रूरी काम को अंजाम दे सकते हैं। ये वो गाइडलाइन दूसरी इन्होंने जारी की है कल। इस गाइडलाइन के अनुसार जो बकरीद का त्यौहार आ रहा है, 1 अगस्त को त्यौहार है, उसको लेकर भी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के अनुसार जिस तरह से परंपरागत तरीके से त्यौहार होते रहे हैं उसी तरीके से होते रहेंगे, मगर भीड़ लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है तो इस एतवार से कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है। यानी जो ईद उज़ुहा की जो नमाज है वो नमाज जैसे ईद के मौके पर जिस तरीके से घरों में लोगों ने ईद की नमाज अदा की थी या मस्जिदों में 5 लोगों ने नमाज अदा की थी तो उसी तरीके से नमाज अदा होगी। बाकी कुर्बानी के फ़राइज तो पहले भी घरों में अंजाम देते रहे हैं। कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी के लिए पहले भी मना किया गया था, आज भी मना किया गया है। पहले भी जो पाबंदी वाले जो जानवर हैं उनकी कुर्बानी से सख्ती से मना किया गया था और आज भी मना किया गया है। तो कोई ख़ास बदलाव त्यौहार को लेकर नहीं है, न किसी भी तरह का कोई टेंशन, न जानवरों को आने जाने में कोई दिक्कत है, न जानवरों की बिक्री में कोई दिक्कत है। अब जो कुर्बानी करने वाले लोग हैं, ख़ास तरीके से मुसलमान जिनका ये त्यौहार है, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो तमाम नियमों का पालन करें। इस्लाम ने भी इस बात का सख्त हुक्म दिया है कि कुर्बानी के जानवर को सही तरीके से आप इस्तेमाल करो और जो निकलने वाले फजला है उन फजला को ऐसे रास्तों में मत फेंको जहाँ दूसरों को उससे तकलीफ़ पहुँचे। अभी बैंक भी यहाँ, चूँकि मऊ शहर में कोरोना पॉजिटिव के काफ़ी केसेस मिल गए थे, इसलिए यहाँ के ज़िला इंतज़ामिया ने बैंकों को भी बंद कर रखा था और ज़िले में भी बहुत मुतादी जगहों पर हॉट स्पॉट थे, इसलिए यहाँ लॉकडाउन की मुद्दत अलग से बढ़ा दी गई थी। मगर इधर त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए और लोगों की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए त्यौहार के जब शहर के अंदर कुछ मरीज़ भी कम हुए हैं तब ज़िला इंतज़ामिया ने एक नया आदेश जारी करके तमाम बैंकों को खोलने का हुक्म जारी कर दिया। फिर लोगों की दुकानें जो बंद थी उसमें दुकानों को खोलने के लिए भी आज जिला अधिकारी महोदय ने एक नया आदेश जारी किया है और इस आदेश को बहुत डिटेल में मैं अभी आपको बताऊंगा ताकि किसी प्रकार का किसी को कोई कन्फ्यूज़न न रह जाए। इस आदेश में थोड़ा दिन को लेकर गलती हो गई थी कि तारीख और दिन में थोड़ा अंतर पड़ गया था, तो वो टाइपिंग मिस्टेक थी। जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस से दूसरा एक पत्र भी जारी हो चुका है, दूसरा एक आदेश जारी हो चुका है जिसमें दिन दुरुस्त कर दिया गया है। तो मैं इस आदेश के मुताबिक जैसे 23 और 24 के बाद 25 और 26 को शनिचर और इतवार पड़ रहा है तो उन दो दिनों में तो लॉकडाउन रहेगा पूरे तरीके से, मगर 23 के बाद से दुकानें लगातार खुलेंगी। यानी 23 के बाद फिर 24 को और फिर 25-26 बंद है, फिर 27, 28, 29 और 30 के साथ साथ 31 जुलाई के लिए भी दिशा निर्देश स्पष्ट तरीके से जारी कर दिए गए हैं। और इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सुबह दिन में 10 बजे से शाम के 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी। दुकानें अल्टरनेट डे में अल्टरनेट साइड की खुलेंगी। एक दिन रोड पटरी से दाहिनी तरफ की दुकानें खुलेंगी तो दूसरे दिन उस साइड की दुकानें बंद रहेंगी, तो दूसरे दिन उसके दूसरी तरफ की दुकानें खुलेंगी और पहली तरफ की दुकानें बंद रहेंगी। लेकिन इसमें पटरी शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिससे बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये शंका जाहिर की कि सिर्फ रोड की दुकानें खुलेंगी, तो ऐसा नहीं है। रोड पटरी से मुराद यह है कि रोड साइड, रोड को चूंकि बीच में रोड है, रोड से ही शहर को बांटा गया है और रोड के बाईं तरफ जितने भी संस्थान हैं वो सारे के सारे खुलेंगे और जो रोड के दूसरी तरफ जो बात कही गई वो उस साइड के सारे संस्थान खुलेंगे। इसको और भी बेहतर आपको समझाने के लिए, आम आदमियों के लिए, मैंने कुछ दुकानों का नाम या संस्थानों का नाम अलग से नोट कर लिया है और उसको अगर आप ठीक से समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे 23 तारीख को जो दुकान खुलेगी तो 23 तारीख को कहा गया है कि 23 तारीख को बाईं तरफ की रोड पटरी से बाईं तरफ की यानी गाजीपुर तिराहे से लेकर सदर चौक होते हुए आगे तक और इधर आजमगढ़ मोड़ से होकर बाईं तरफ की दुकानें खुलेंगी। तो बाईं तरफ की दुकानों के में अगर आप चलते हैं गाजीपुर तिराहे से तो आपको पैरिस प्लाजा मिलेगा, खादिम चप्पल वाले की दुकान मिलेगी, फिर इंडियन ड्रेसेस मिलेगी, हाईडील मिलेगा, फिर बिना हार्डवेयर हैं आजमगढ़ मोड़ का मंदिर मिल जाएगा। फिर अगर आप बाई तरफ आजमगढ़ मोड़ की तरफ मुड़ जाते हैं तो हलीमा अस्पताल,
छप्पन भोग, फाइन डाइन, ग्रीन पैलेस और ब्रिज के नीचे टीवीएस एजेंसी, आपके कमरिया वाली मंदिर पड़ जाएगी, फिर शिमला आटा वाले, फिर आपके सलाबाद मोड़ भी पड़ेगा, मॉडर्न स्कूल पड़ेगा, चंदन मैरिज हॉल पड़ेगा, महफिल लान पड़ेगा, आलिया हॉस्पिटल, शादाब ट्रेडर्स, गिरस पेट्रोलियम, फिर मिर्जादीपुरा चौक आ जाएगा। तो मिर्जादीपुरा चौक से बाईं तरफ यानी नवाब जो अंडा वाले हैं वहाँ से आप शुरू करेंगे अगर, तो शमीम किराना, गिरस की मस्जिद, फिर दिल्ली बूट हाउस, फिर रोमा कैलेंडर, दिल्ली अस्पताल, खेदन यादव की पेट्रोल पंप तक, यानी अगर उधर से हम जाते हैं तो बीच में दक्षिण टोला थाना भी पड़ेगा। फिर आजमगढ़ मोड़ से अगर आप चलेंगे तो मौर्या फोटो कापी वाले, फिर टंडन पैलेस, फिर अली बिल्डिंग, फिर अनुपम वस्त्रालय है, फिर विजय अग्रवाल की पेट्रोल पंप है, फिर सारहू चौकी है, रेलवे क्रॉसिंग है। फिर आगे आ जाएंगे तो रेलवे क्रॉसिंग के बाद बाईं तरफ आपको कोतवाली मिलेगी, फिर जनता मार्केट, कृष्णा मार्केट, टंडन मार्केट, रोज़ा मस्जिद, इंडियन ड्रेसेस, संगम गली, फिर सुंदर गली। सुंदर गली में और जितनी भी मार्केट हैं, कई एक मार्केट हैं, वो सारी की सारी मार्केट उस दिन खुलेंगी, जैसे अंसारी मार्केट है, रेशमी गली है। फिर रोड पे अगर आप आ जाते हैं तो बंधन बैंक है, किताब सेंटर है, चश्मा हाउस है। फिर आगे जाएंगे तो खीरबाग चौकी है, मिर्ची मस्जिद है, जनता मेडिकल स्टोर है, मदन सिंह का घर है, फिर पंजाब बैंक है, फिर अजंता स्टूडियो है, फिर आर्य समाज है, फिर यूसुफपुरा की मस्जिद है, अलीदादपुरा मोड़ फिर आ जाएगा, फिर हाजी अशरफ अली साहब की ये मस्जिद आ जाएगी, फिर दूबा ज्वेलर्स आ जाएगा, फिर मिर्जादीपुरा चौक से मैं आगे आपको वहाँ तक बता चुका हूँ। फिर अब उसके बाद अगर आप आते हैं कि 24 तारीख यानी अगर आप देखेंगे 23 के बाद 24 तारीख, तो 24 तारीख में गाजीपुर त्रिहार से आजमगढ़ मोड़ होते हुए बाल निकेतन तक, और रेलवे फाटक से कोतवाली चौक, संस्कृत पाठशाला से मिर्जादीपुरा होते हुए मतलबपुर मोड़ तक, आजमगढ़ तिराह से मिर्जादीपुरा से रानीपुर मोड़ तक, और गाजीपुर तिराह से भीटी होते हुए बलिया मोड़ तक जाने वाली सड़क है। बलिया मोड़ में चूंकि दुकानें कम है इसलिए उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अगर 24 तारीख को या जो 8 इवेंट डेज हैं उनमें अगर दाहिनी तरफ रोड के दाहिनी तरफ दुकानें अगर खुलेंगी तो उसके भी डिटेल को आप समझना चाहें तो आप बात को अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे गाजीपुर तिराह से आप चलेंगे तो ज्योति टावर, जावेद हबीब का हेयर सैलून है, फिर शारदा नारायण हॉस्पिटल है, राहुल हॉस्पिटल है, फिर उसके बाद चटपटी है, फिर आजमगढ़ मोड़ के पास जो पुलिस चौकी है वो आ जाएगी, फिर सब्जी मंडी आ जाएगी, फिर चाट अड्डा आ जाएगा, फिर साबरी मस्जिद, वहीं बिलाल मस्जिद दूसरी रूट में पड़ेगी, फिर और आगे बढ़ेंगे तो तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज आ जाएगा, फिर फातिमा कॉम्प्लेक्स, श्री पैलेस, शीतला माता मंदिर वाला मोड़ आ जाएगा, सुलेमान हॉस्पिटल, नवाब कलेक्शन, फिर मिर्जादीपुरा चौक पे अगर आप बाईं से चलेंगे, डैडी से आप शुरू करेंगे तो जारा कलेक्शन, गृहस्थ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, फिर ग्वालियर वाले का घर है, विश्वनाथपुरा फिर मोड़ है, फिर फैजी गेट है, जावेद होटल है, नदीम ट्रेडर्स है, फिर नुमानी गेट है, फिर राज पैलेस है, फिर मतलबपुर मोड़ है। आजमगढ़ मोड़ से फिर अगर आप मार्केट की तरफ चलते हैं तो आजमगढ़ मोड़ से आपके दाहिनी तरफ मेडिकल प्रकाश मेडिकल स्टोर आएगा, फिर मेहता महेशा कॉम्प्लेक्स आएगा, फिर राजवती स्वीट आएगा, अग्रवाल बिग डिपो आएगा, रोडवेज आएगा, रोडवेज के बाद सोनी ढापा होते हुए आप अगर हिंदी भवन आएंगे, फिर दूधनाथ का पेट्रोल पंप आएगा, समाजवादी पार्टी का कार्यालय आएगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यालय है, रेलवे क्रॉसिंग आएगा, सिंधी, फिर रेलवे क्रॉसिंग के बाद आप चलेंगे तो फिर सिंधी कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस, मुस्लिम इंटर कॉलेज, माखन भोग, ग्रेजुएट टेलर, कृष्णा टेलर, कैलाशपुरी मंदिर, इंडियन कलेक्शन, फिर उसके अंदर आप चले जाएंगे तो तमाम फैजयाम रोड होते हुए बहुत तमाम दुकानें हैं, जैसे इब्राहिम मार्केट है, साफिया मार्केट है, मौर्या मार्केट है, धनेश्वरी मार्केट है, फिर अंदर आप उसी में चले जाएंगे तो श्याम मार्केट के बगल में आपको लुंगी गली मिलेगी, बाटा, फिर अगर आप रोड पे आ जाते हैं तो बाटा आ जाएगा, फैयाज पारचून की दुकान होते हुए भेली बाजार, फिर दवाघर, बच्चे बाबू की दुकान, फिर पाठशाला चौकी, फिर TCI मोड़, फिर आगे स्टेट बैंक, और भी वहाँ कई एक बैंक मिलेंगे, फिर आगे DAV स्कूल है, फिर उसके बाद ईदगाह रोड आ जाएगा, फिर औरंगाबाद शहर आ जाएगा, फाटक वाली मस्जिद आएगी, फिर जारा ड्रेसेस की दुकान आ जाएगी, फिर लाइफ मेडिसिन तक मिर्जादीपुरा चौक पे वो हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से तमाम इलाकों की मैंने वजाहत कर दी है, लेकिन इस वजाहत में आपको ये बात भी ठीक से समझनी चाहिए कि इन इलाकों में जो नाम लिए गए हैं तो ये सब जो रोड के दाहिनी तरफ या बाईं तरफ हैं उसके अंदर जितने भी मार्केट पड़ते हैं या जितनी भी दुकानें पड़ती हैं इन दिनों में वो दुकानें पूरी की पूरी खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का सभी लोगों को पालन करना पड़ेगा, दुकानों पे भीड़ नहीं लगनी चाहिए, बल्कि कोशिश ये करें कि आप जो दुकानें खोलते हैं तो दुकानों में जब लोग आते हैं तो वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये बीमारी ख़तरनाक है और इसका लिहाज किया जाना चाहिए।
बैंक भी खुल गया और ईद को देखते हुए कारोबार भी खुल गए हैं। हालांकि दूसरे जो शहरों में अभी हालात बेहतर नहीं है, लेकिन इस तरह से जितनी अंगड़ियां भी बाहरी हिस्से में खुलेगी, अंगड़िया में लोग माल ले जाएंगे और इस तरह से थोड़ा मोड़ा जो बिल्कुल बंद था काम, वो काम शुरू हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले त्यौहार पर, इसके बाद 1 तारीख को तो बकरीद है, फिर 3 तारीख को रक्षाबंधन है, वो भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो मैं ईद और रक्षाबंधन दोनों की आप सब लोगों को बधाई देता हूं और दोनों कम्युनिटी के लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि तमाम सरकार के द्वारा या जिला इंतजामिया के द्वारा बनाए गए जितने भी नियम हैं, उन सभी नियमों का आप पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी